सर, अभी जैसे विधानसभा का रिजल्ट आना शुरू हो गया है और हरियाणा में देख रही हूँ कि सुबह बीजेपी की बहुत वोटिंग बहुत नीचे थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे 10 बजता गया वैसे वैसे बढ़ता गया और अभी बीजेपी मतलब 50 के पार है और कांग्रेस 33 के लगभग है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा विकास की बात करते हैं, हमने जिस तरीके से हरियाणा के अंदर विकास किया है, उस विकास को देखते हुए वहाँ की जनता ने जो है अपना पूरा का पूरा आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार देते हुए दिखाई दे रही है। आपने देखा जब सुबह जो है रुझानों में बहुत सारे चैनल बैठा हुआ था, वहां पे दिखा रहा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे जिस तरीके से बात कर रहे थे ओपिनियन पोल के बारे में, एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे थे कि भाई एग्जिट पोल में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वहां चुनाव हारते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन 2019 की बात करेंगे या लोकसभा 2024 की बात करेंगे तो हमेशा से जो है एग्जिट पोल जो है वो हमेशा से फेल्योर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है ग्राउंड लेवल पर गए हैं, जनता के पास गए हैं, जनता से 1-to-1 हुए हैं। हमने जितना कार्य किया है ग्राउंड लेवल पे, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे वहां पे हम लोगों ने जिस तरीके से किसानों के हित के लिए हमने बहुत सारे फैसले लाए, तो उसको देखते हुए जो है वहां की जो हमारी ईश्वरूप जो जनता है हरियाणा की, उन्होंने जो है तीसरी बार हैट्रिक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा में लगाते हुए दिखाई दे रही है। मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में जो है चुनाव से पहले आपने देखा था किस तरीके से कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला था कि अगर जो है हमारी सरकार आती है तो हम 370 को खत्म कर देंगे। ये लॉजिक बात होती नहीं है, क्योंकि 370 को खत्म करने के लिए आपको जो है संसद में पहले मेजोरिटी अपना जो है बनाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 लाकर 370 धारा को खत्म करके 35 धारा को खत्म करके हमने आतंकवाद को खत्म किया वहां पे, हमने पत्थरबाजी को खत्म किया, हमने अलगाववाद को खत्म किया वहां पे, हमने जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। और जिस तरीके से जो कश्मीर जो आतंकवाद में जो लिप्त रहता था, जो कश्मीर जो है जो शांति से दूर रहता था, जो सौहार्द से बहुत दूर था, उस कश्मीर में हमने जो है शांति को अमल किया, जनता के बीच हम लोग गए, हमने जो है जिस तरीके से जो कश्मीर जो शांति के दूर से जाना जाता था उसको हम जो है अच्छे तरीके से सौहार्द बनाया। जम्मू में अभी जो देख रहे हैं वोटिंग लिस्ट देख रहे हैं तो अभी बीजेपी काफी पीछे चल रही है और गठबंधन की सरकार आगे चल रही है, तो इस पे क्या देखिए, अभी रुझान है, अभी रुझानों को जो है हम इंतजार करते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो है जो रुझान है वो जब सीट पे बदलेंगे तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी जो है कश्मीर के अंदर भी जो है सरकार बनाते हुए नजर आएगी। जिस तरीके से आपने देखा कि हरियाणा में जो है सारे चैनल वाले, यहाँ तक कि कांग्रेस ऑफिस में जो है जलेबी जो है, जो जलेबी पहली बार ऐसा हमने देखा है कि जो है इंडस्ट्री से जलेबी मंगाई जा रही थी, डब्बे वाली जलेबी, हमने तो कभी खाया नहीं है, हम तो जो है कढ़ाई से जो है गरम गरम जलेबी निकाल के खाते थे। और आपने देखा अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे भी मिठाई भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, पूरी सब्जी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इंतजार करते हैं आने वाले समय में 12-1 बजे 2 बजे के बाद जो है जो रुझान है वो सीट पे जब तब्दील हो जाएगा तो सारा का सारा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा। तो आपका कहने के अनुसार है कि दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार बनती दिखाई देगी, हरियाणा हो चाहे वो जम्मू हो? जी, दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए हमें पूरा विश्वास है कि दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनेगी, ये हमें पूर्णतः विश्वास है। क्योंकि हमने जिस तरीके से कार्य किया है ग्राउंड लेवल पर पहुंच के, या हमारी जो भी योजना है उसको ग्राउंड पे पहुंचा के, अंत्योदय की बात करते हैं हम लोग, अंत्योदय मतलब कि अंतिम पंक्ति बैठा हुआ इंसान हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, उसका विकास होना चाहिए, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। और उसको हम करके जो है हम जनता के बीच में गए हैं और हमने जनता से उनका आशीर्वाद और प्यार मांगा है और जनता ने बेखूबी हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो सर, 10 साल बाद जम्मू में अगर हम पार्टी की बात करें तो वो बीजेपी हमें दिखाई देगी कि? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि 10 साल बाद सर इलेक्शन हुआ है जम्मू में और इसके लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि लोग काफी अंदर से मतलब वेट कर रहे हैं, जो जम्मू के जैसे हालात थे और इस इलेक्शन का लोग काफी वेट कर रहे हैं, इस बार बहुत लोगों ने वोट भी किया है आगे बढ़ के। ये पहली बार ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ है कि बड़े शांति के साथ और बड़े प्यार के साथ जो है वहां पे चुनाव जो है सफल हुए हैं। आप देखिए, पिछली बार क्या होता था कि बूथ का बूथ कैप्चर कर लिया जाता था, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी थे उनको जो है बूथ पे नहीं पहुंचने दिया जाता था, जो सुरक्षा कर्मी थे उनके ऊपर पत्थरबाजी करके उनको जो है वहां तक इलेक्शन बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने प्यार के साथ और इतने सौहार्द के साथ जो है जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है तीनों पहला जो सेशन हुआ, दूसरा जो हुआ, तीसरा जो चरण हुआ, तीनों चरण में जो है जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना पूरा का पूरा जो है शांतिपूर्वक अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। एग्जिट पोल तो लेकिन कुछ और ही बता रही है क्योंकि बीजेपी बहुत पीछे चल रही है गठबंधन की सरकार से। देखिए, मैं एग्जिट पोल, देखिए हमेशा से जो है एग्जिट पोल फेल्योर रहा, चाहे 2024 के लोकसभा की बात करूं, चाहे 2019 में जो विधानसभा हुआ था हरियाणा के अंदर, उस समय भी एग्जिट पोल फेल्योर रहा, हमेशा एग्जिट पोल फेल्योर रहता है। क्योंकि एग्जिट पोल में होता क्या है कि जो भी चैनल होते हैं, जो भी वो अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं, 2-4-5 लोगों के पास वो पहुंचते हैं और वहां पे जाके जो है उनका रुख लेकर आते हैं। लेकिन मैं इस बार कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने काम किया है,
लोगों के पास हम लोग पहुंचे हैं, हमने ग्राउंड लेवल पे जाके अपने जो है योजनाओं को गिनाया है, हमने जो भी कश्मीर के अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में जिस तरीके से हमने अमल और शांति को जो है बढ़ावा दिया है उसको देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे तरीके से बेफिक्र है कि हम जो है वहां पे सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद सर।